यही कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनई टीवी और आज की प्रमुख खबर देहरादून से। भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग को लेकर डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशिक्षितों का आरोप है कि पहले विभाग कोर्ट का बहाना बनाकर भर्ती प्रक्रिया को टालता रहा। उच्च न्यायालय से भर्ती प्रक्रिया में राहत मिलने पर शिक्षा मंत्री द्वारा 20 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का वादा किया गया था, लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफी को देखकर लगता है कि भर्ती प्रक्रिया शायद ही तय समय में संपन्न हो पाएगी। लिहाजा प्रशिक्षित देहरादून में अब भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। देखिए क्या कहते हैं डाइट डीएलएड प्रशिक्षित। 20 दिन के अंदर जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी जो है आदेश पारित हो चुका है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है विभाग को, सरकार को, जो वैकेंसीज को प्रोसीड करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है? तो कहीं ना कहीं यह एक विभाग की नाकामी कह सकते हैं, लेट लतीफी कह सकते हैं कि अभी तक जो है धरातल पर कोई कार्य स्पष्ट रूप से हमें दिखाओ प्रतीत नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ हमारी रिक्वेस्ट है विभाग से, शिक्षा मंत्री जी से, कि तुरंत इस पे कार्रवाई करिए, अग्रिम कार्रवाई करिए। जो भी फाइलें, जो भी लेटर्स विभिन्न विभागों में लंबित हैं, उन पे तुरंत ठोस कार्रवाई की जाए ताकि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति जो है दी जाए और हम इस धरना स्थल से अपने घर की ओर प्रस्थान करें। भी दे दिए हैं, जबकि शिक्षा मंत्री जी ने 20 दिन का आश्वासन दिया था हमें और कहा गया था कि डाइट प्रशिक्षितों की नियुक्ति 20 दिन में कर दी जाएगी, लेकिन इस बात को भी आज 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं संबंधित फाइल पिछले बहुत लंबे समय से रुकी हुई है और अनुनय विनय की जो हमारे अनुनय विनय की तरीके से जो आज तक हमारा आंदोलन चलता हुआ आ रहा है, तो इस आंदोलन को मुझे लगता है कि अब उग्र रूप देने का समय आ रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा लेट लतीफी के बाद धीरे धीरे जो हमारा पेशेंस है वो लगातार जवाब दे रहा है और आगे भी अगर ऐसी रवैया अगर शासन और विभाग की ओर से रहता है तो मजबूरन हम लोगों को कोई ना कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी शासन की और निदेशालय स्तर की होगी। धन्यवाद। 40 दिनों से यहां धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले जब अधिकारियों से बात करते थे तो बताया जाता था कि न्यायालय से स्टे है, इस वजह से भर्ती को पूरा नहीं किया जा सकता। आज न्यायालय द्वारा स्टे को हटाए हुए 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भर्ती को लेकर कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। अधिकारियों से जब पूछते हैं तो बता रहे हैं कि सचिवालय स्तर पर कोई न्याय विभाग से परमिशन उन्हें लेनी है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं कि भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करिए और ये निर्णय लेने में जो देरी हो रही है इसकी वजह से कोई फ्यूचर में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, तो हम यही चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द पूरा हो और हम लोगों को नियुक्ति देकर स्कूल भेजा जाए। दोस्तों, ऐसे ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और नीचे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर रोचक खबर आपके पास पहुंचे सबसे पहले।